फिर सामने आई शिवराज मामा की काली करतूत। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश का हाल बेहाल। शिक्षा रोजगार को तरसे मध्य प्रदेश के युवा। 10,000 से ज्यादा शिवराज मामा की भांजियां विद्यालय छोड़ने को मजबूर। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। 15 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अपनी खुद की पीठ थपथपाते नहीं थकते। मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी सभा या रैली में जाते हैं आखिर अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से जनता को मोहित कर ही लेते हैं। शायद अब यह बात मध्य प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए कुछ दिनों पहले हुए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खैर यह तो रही पुरानी बातें, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की सच्चाई अगर आप जान लेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के इन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का आलम यह है कि गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट यूज करने लायक नहीं है। लड़कियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पीरियड्स के दौरान साफ टॉयलेट न होने से बेटियां बीमारियों की शिकार होती हैं। स्कूलों में सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। स्कूलों के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे स्कूल जाने वाली बच्चियों के बीच भय का माहौल बना रहता है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे ही बनेगा हमारा भारत विश्वगुरु? जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते नहीं थकती, उसी भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में यह रिपोर्ट तो एक उदाहरण है। शिक्षा व्यवस्था की खामियों की अगर विस्तार से बात की जाए तो खामियां बताने वाले थक जाएंगे लेकिन खामियां नहीं खत्म होंगी। अभी पिछले दिनों ही साजापुर में दलित लड़की को गाँव वाले स्कूल जाने से रोकते हैं। लड़की के भाई द्वारा विरोध किए जाने पर गाँव वाले अपराधियों द्वारा लड़की के भाई की बेरहमी से पिटाई भी करते हैं। ऐसे अपराधियों पर सत्ता संरचन न हो ऐसा भी नहीं हो सकता। केवल इतना ही नहीं साथियों, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पिछले कई वर्षों से भगवान भरोसे ही चल रही है। जी हां साथियों, भले ही शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले ही की है लेकिन सच्चाई है कि इन तमाम नियुक्तियों के बाद भी आधे से ज्यादा शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, जिनमें अतिथि शिक्षकों के सहारे ये स्कूल चल रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हजारों लाखों बेरोजगारों के द्वारा तमाम विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद भी इस भाजपा की शिवराज सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगते। मेरा सवाल मध्य प्रदेश सरकार से बस यही है कि आखिर कब मिलेगी बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और लाखों बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? सरकार को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए। और आखिर में आपसे भी मैं आपके गांव की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानना चाहूंगा। आपके मोहल्ले या गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।